हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से सिर्फ नाम के द्वारा आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, तो वो लोग किस तरह से अपने आधार कार्ड को सिर्फ नाम के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड में ना ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, ना ही उन लोगों को आधार नंबर पता होता है और ना ही उन लोगों को इनरोलमेंट आईडी पता होती है, यानी कि उन लोगों को अपने आधार कार्ड में सिर्फ नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता होता है। तो इस केस में आप किस तरह से अपने आधार कार्ड को निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है UIDAI। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही एक लिंक देखने को मिलेगा UIDAI, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहां पर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट आधार, और इसके जस्ट नीचे ही आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगेटन EID UID। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप आधार नंबर प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इनरोलमेंट आईडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर अपना नाम एंटर कर देना है, जो भी आपका नाम आधार कार्ड में है। नाम टाइप करने के बाद आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। इसके बाद आपको यहां पर ये कैप्चा कोड सेम टू सेम यहां पर फिल कर देना है। दोस्तों पहला तरीका मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उन्हें आधार नंबर नहीं पता है, और जो दूसरा तरीका है वो उन लोगों के लिए होगा जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो किस तरह से आप अपने आधार कार्ड की डिटेल को निकाल सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो मैसेज मेरे पास आ चुका है। यहां पर लिखा हुआ है डियर रेसिडेंट, यहां पर आधार नंबर लिखा हुआ है इज योर आधार नंबर UIDAI। अब आपको इस आधार नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और इसके बाद आपको दोबारा से इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड आधार, आपको इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी आधार नंबर मिला है उस आधार नंबर को आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किस प्रकार से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे के साइड में आना है, तो आपको यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाएगा 1947। आपको इस नंबर पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। वहाँ पर जो भी कस्टमर केयर हैं वो आपसे आपके आधार कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपका नाम क्या है, आपने कब आधार कार्ड बनवाया था, आपकी जन्मतिथि क्या है। जन्मतिथि आपको नहीं भी पता है फिर भी आपके जो आधार कार्ड की इनरोलमेंट आईडी है वो आपको निकाल कर दे दी जाएगी। अब आपको उसी आधार कार्ड की इनरोलमेंट आईडी को किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर लेके जाना होगा, और उसके बाद उस इनरोलमेंट आईडी के माध्यम से आपका जो आधार कार्ड है वो आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट आईडी नहीं होगी तब तक आपको कोई भी आधार कार्ड डाउनलोड करके नहीं दे सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ से अपने आधार कार्ड की इनरोलमेंट आईडी निकलवा लेनी है, और इसके बाद आपको जब इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी आप कहीं पर से भी आधार कार्ड को डाउनलोड करवा सकते हैं। इसके बाद वहीं से आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक करवा सकते हैं। जब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा उसके बाद आप खुद से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से सिर्फ नाम से ही अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कॉमेंट करें।